तो रात के बज गए हैं अभी कितने, पौने एक बज रहे हैं। आप ये देखो उसमें 0:55 लिखा हुआ है और पौने एक बजे विवेक ये बना के लाए हैं पॉपकॉर्न्स अभी के लिए और मेरे लिए। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे शेफ, विवेक नाम के शेफ। शेफ हम लोग अभी शूट, मतलब मैं अभी शूट करके हटी हूँ, मेरे जस्ट अभी शूट फिनिश हुए हैं। तो अभी बोला मम्मी भूख लग रही है, मैं बेटा मैं तो फुल्ली पैक्ड अप हूँ, टायर्ड हूँ, पापा को कह दे अब। तो पापा जी बना के लाए हैं, पापा जी शेफ। मेरे मैंने इन्हें बताया कैसे शेफ करते हैं, ये वो वाले पॉपकॉर्न्स हैं जो पैकेट कौन सा नाम गया था, ए सी समथिंग करके नाम है, उस पे से मंगाए थे हमने, फ्लिपकार्ट पे से पैकेट्स मंगाए थे। नाम बताओ, नाम बता। एक्ट टू, ये वाले पॉपकॉर्न है। और विवेक बाहर का डोर चेक कर लेना, यहाँ पे सब अपना अपना एक्सीडेंट हम दोनों का सब अपना अपना बिस्तर लगा रहे हैं। मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल काम कर करके, मैं कब से लगी हूँ पता है, 9:30 से ना, अभी 9:30 से अभी बार एक बजे 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 3.5 घंटे से मैं शूट कर रही थी। और ये मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है जो मेरा बहुत फेवरेट है, ये क्लोविया ब्रांड का है और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक तो ढीला हुआ था, मैंने XXL साइज मंगवाया था जिससे कि थोड़ा ढीला सा भी रहे, बहुत टाइट कपड़ों में सोया नहीं जाता। अभी मुझे मुंह धोना मेरा बाकी है, मैंने बीबी क्रीम लगा रखी है। बीबी क्रीम ये देखो इसके है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, खोल के दिखा, ये देखिए, अबे हाथ में दिखा लड़के, ये इसको मैंने अगारो के मंगा के दिए हैं, देखिए यहाँ लिखा है अगारो, और मेरे खुद से बाय किए हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से बाय किया है अमेजन से। इसको पहले मैंने बूट के, क्या नाम है उसका, बूट के मंगा के दिए थे जो कि प्रिशा से टूट गए तो मेरे पीछे लगा था, तो ये मंगाए। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, इसकी साउंड बहुत जबरदस्त है, मुझे इसकी साउंड बहुत पसंद आई। वैसे मैंने एक ही बार सुना है, मुझे टाइम नहीं था, विवेक और यही यूज करते हैं दोनों, पर साउंड बहुत बढ़िया है उसकी। चलिए कल मॉर्निंग में मिलते हैं, अब हम पॉपकॉर्न खा के सो जाते हैं। देखो छोटा बच्चा आ गया, हाय पढ़ पढ़ के नींद में हूँ और वैसे मैं भी सो ही जाऊंगी थोड़ी। मैं शूट कर रही थी ना तो बेचारी बच्ची मेरी वहां बैठी हुई थी उस रूम में, और इस बेचारी बच्ची से आप अभी 3 मिनट पहले लड़ी हो। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े तो होते रहे, माँ बेटी में ना हो गए तो किसमें हो गए। तू भी आज ऐसा वाला नाइट ड्रेस पहन ले जो तेरा वो है, मेरा आउल देखिए इस पे आउल बने हुए हैं और प्रिशा का पीच कलर का है, ऐसे कलर का प्रिशा का बहुत प्यारा है, बटरफ्लाई वाला है। ये मुझे बहुत पसंद आए, इत्तेफाक से इसका रिव्यू वीडियो अभी तक नहीं आया है, सॉरी लेट हो गया इसका रिव्यू वीडियो, मैं डाल दूंगी। चलिए अब कल मॉर्निंग में मिलते हैं, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, लव यू, टेक केयर, पीस। तो ये है गाइज नेक्स्ट वाला मॉर्निंग, प्रिशा आई है किचन में चाय नाश्ते के लिए, रात की रोटियां हैं जो हमें गरम करके ना चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये वाला नाइट ड्रेस भी क्लोविया का ही है, ये वीडियो ना मेरा स्किप हो गया मुझसे, मतलब एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, तो अब मैं आपको एडिट करके ये वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगी। बहुत ही प्यारे नाइट ड्रेसेस हैं, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए नए चैनल पे मिल जाएंगे। आज बिंडा है खाने में करेला जो हमने खाए, अभी की तरह से भी वो आ गया, करेला और रोटी ये लोग की और खिचड़ी कड़ी बन रही है, हाँ तुवे दाने की खिचड़ी और साथ में कड़ी और वो हमें बहुत पसंद है। हाँ तो करेला रोटी में और पापा खाएंगे, हाँ। हमारा करेला आज करेला खाने वाला है, ये सब कचरा पड़ा यार, ये खाया देखो इन्होंने क्या खाया, डार्क फैंटेसी कॉफी फ्लेवर, कॉफी फील्स, ये कॉफी फील्स, इन दोनों को ना मैंने काम दे दिया है क्योंकि लाइट तो है नहीं, 11:30 बज गए नाश्ता करते, इनको काम दिया मैंने बच्चों को कि चलो डस्टिंग करो, ऐसे बच्चों को ना छोटे छोटे काम सौंपने चाहिए एक्चुअली। आपके भी बच्चे हो ना तो उनको भी करवाओ क्योंकि ये ना डस्टिंग से अब मुझे अभी को दोनों को आदत लग गई कि हमें साफ करना, पहले मैं जब चिल्लाती थी तो मुझे गुस्सा आता था, तब गुस्सा आता था ऑब्वियसली किसी को भी आएगा लेकिन अब ऐसे आदत पड़ गई कि हाँ साफ देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम खुद ही, मेरा भी पॉजिटिव वाइब्स हो गया है
कि मैं पढ़ने ही बैठती हूँ तो पहले पूरा घर साफ हो जाता है, फिर 12 बजे आराम से पढ़ने बैठती हूँ। हाँ तो ये देखो यहाँ हमारा सोफा इन दोनों ने साफ करा है, ये टेबल इसने कॉलिन वगैरह से ठीक करेंगे हम, और अभी हमें छोटी वाली टेबल तो शायद मैंने कर दी बेटा किचन की। विवेक आपका काम बाकी है, देखो बेटा ये वाला यूनिट वाला, ये यूनिट ये साफ करते हैं आजकल, पहले मैं करती थी अब ये करते हैं। हाँ भाई हाँ करेला हमारा, और ये यहाँ रख देते हैं, ये बैम्बू प्लांट है जो मेरा फ्लिपकार्ट से आया था, इसमें पानी चेंज करना होता है, कुछ लोगों ने मुझे बोला था तो मैं देखिए रेगुलर इसका पानी चेंज करती रहती हूँ। और ये बढ़ गया है काफी, ये बढ़ गया है, ग्रो हो गया है, जैसे ये नन्हे नन्हे से थे और ग्रो हो गए हैं, ये इतने से थे इतनी हाइट के। बर्थडे के दिन आपने कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी गाइस, मैं इतनी छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है, और ये भी बड़ा हो गया है गुंडा, ये भी बहुत छोटा सा था, ये तो बहुत ही छोटा सा। प्रिशा विवेक को जरा कपड़ा दो ना, वो ये यूनिट करने वाले हैं। मुझे पता नहीं कि मैंने ब्लॉग में एक चीज पहले बोली है कि नहीं, लेकिन ना अभी ना मेरा छोटा सा बच्चा जैसा है, लाइक जब वो बॉर्न हुआ मैंने उसे बड़े होते देखा है, मैं उसको बहुत प्यारी करती हूँ सच्ची बहुत दिल के करीब है अभी मेरे, बहुत प्यारा भाई है। अच्छा, और जैसे अभी तेरे दिल के करीब है ना, ऐसे तू और अभी हमारे दिल के करीब हो। और पता है एक चीज नोटिस की मुझे ना, मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि कोई भी टेस्टी चीज होती है ना तो वो बाहर अकेले नहीं खाते, तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ, लाइक मैं इन दोनों के बिना तो खा लेती हूँ लेकिन मम्मी के बिना नहीं खा पाती। माय गॉड, लड़की हमारे बिना खा लेती है, हम नहीं खाते, देखो विवेक इनके बिना, ये हमारे बिना खा लेते हैं। पर मैं छोटी हूँ ना। अच्छा, आप भी पापा के बिना खा लेती हो, लेकिन पापा आपके बिना कुछ नहीं खाते। नहीं, मैं पापा के बिना कुछ नहीं खाती। अच्छा, पिज्जा नहीं खाती? वो तो तुम्हारे लिए ऑर्डर होता है, तब मैं 3-4 पीस खा लेती हूँ, गार्लिक ब्रेड के 2 पीस पिज्जा के खा लेती हूँ, पर तुम्हारे बिना मैं और मेरा पति बाहर कुछ नहीं खाते। तुम्हारे आपके बिना मैं और अभी खा लेते, लेकिन मैं अभी के बिना कुछ नहीं खा पाती। चलो विवेक आप ये क्लीन कर दो, प्रिशा उनको एक कपड़ा दो ना, ये देखिए यूनिट पे कितनी धूल हो रही है, काफी। आजकल ना गर्मी की वजह से ना बहुत हवा चल रही है, हवा के साथ साथ धूल आ रही है। ये हो गया अभी शाम का टाइम, और ये अभी ना घर के पिछवाड़े जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिखाया था ना, वहाँ खेल रहा है। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि ये लोग पथरी पे बैठ के खेल रहे हैं सारे बच्चे, मैंने इतना चिल्लाया यहाँ से लेकिन बंदा सुने तो बात है, तो मैं यहीं खड़ी रही आधा घंटा क्योंकि मुझे इसका टेंशन था, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दुख गया, सुन ही नहीं रहा था। मैं उसको बोल रही थी बेटा यहाँ से हट जाओ, तो बस वहीं फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, मैं यहीं खड़ी हुई थी। अच्छा, परसों का जो व्लॉग मैंने डाला था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्यों मैं घर बदल रही हूँ, सबने बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं भाई, तहे दिल से आपका शुक्रिया, सबने बहुत दुआएं दी हैं। कुछ कमेंट्स में बोलना चाहूंगी, सोनल त्रिपाठी जी ने लिखा है, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, आपकी बात एकदम सही है, हमारे हबीब भी सबके काम आते हैं लेकिन जब हमारे हबीब बीमार हुए तो कोई भी पड़ोसी एक बार पूछा तक नहीं। जी हाँ, ये दुनिया ऐसी ही है, बस यही रीज़न है कि मेरा भी घर बदलने का मन कर रहा है। इसके अलावा पूजा श्रीवास्तव ने भी यही लिखा है, रुचि मैम ये आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी हुआ है, मेरी माँ के डेथ के बाद किसी ने मुझे कॉन्सोल भी नहीं किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने भी नहीं। तो यस, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम था और मैं बस एक्चुअली अजान चल रही थी इसलिए मैंने अपना वॉइस बिल्कुल डाउन रखा था वीडियो का, और मैं किचन में जा रही थी, मैंने कहा चलो अब चाय बना ली जाए गरम गरम। तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, सभी ने मुझे इनक्रेज किया है घर बदलने के लिए, कुछ लोगों ने मुझे समझाया भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और गाइज हाँ, आपको मैं गुड न्यूज़ दे दूँ कि मेरा नए चैनल पर मैंने वर्क शुरू कर दिया है, वहाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं। कल यहाँ व्लॉग नहीं आया था लेकिन नए चैनल पर मैंने डाला था, देखिए नए चैनल पर मैंने क्या डाला था, बहुत ही प्यारा वीडियो है, ज़रूर से चेकआउट करना, और लिंक जो है मेरे चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। और चैनल का नाम है नेचुरली ब्यूटीफुल, जी हाँ, यहाँ पे आपको होम रेमेडीज़ और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स वगैरह मैं हाउसवाइफ्स के लिए शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ पे कल मैंने एक वीडियो डाला था यार, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, वहाँ पे कितने कमेंट्स आए पता है, बहुत सारे। नेहा करौलिया जी ने लिखा है, कमेंट किया है, निभा खान जी ने लिखा है, और इसके अलावा निभा खान ने क्या लिखा है पता है, थैंक यू दीदी फॉर इंस्पायरिंग मी, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मोनिका बंसल ने वहाँ कमेंट किया है, वंडरफुल एंड यूजफुल टिप्स। सोनम भारती ने कमेंट किया है, दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसे बोलता है ना कि आपसे बहुत सीखा है हमने। दुर्गेश कुमार जी ने लिखा है, राधा कृष्ण जी ने वहां पे मुझे कमेंट किया है, मनीषा जी ने किया है, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, आदिल उज्जैन जी ने किया है, गीता रानी ने किया है, थैंक यू सो मच मुझे मेरे नए चैनल पे इनक्रेज करने के लिए। नया चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वहाँ पे वीक में 2 से 3 व्लॉग्स आएंगे और एवरीडे वहाँ पे अब रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ नहीं, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, वहाँ पे मेरे रियल ऑनेस्ट रिव्यूज़ आएंगे। नो डाउट यहाँ पे भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ लेकिन पेड प्रमोशन होता है तो आपको ऐसा लगता है, बट वहाँ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, और अभी बजे हुए हैं रात के 8:15। एक मिनट में टाइम कंफर्म करो, कुछ गलत तो नहीं बोल रही,
8:20 हो रहे हैं और हम लोग का प्लान है थोड़ा सा बाहर जाने का। आज नई वाली कार निकाल रहे हैं फिर से, हमारी जो पुरानी कार है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये पुरानी कार डिस्कार्ड करके हम नई ले, क्योंकि ये जो पुरानी वाली कार है एक्चुअली बहुत पुरानी हो गई, इसमें प्रॉब्लम आने लग गई है अब। तो आज मूड है हमारा डी मार्ट थोड़ा सा ना, वो उस दिन हम लोग जब बच्चों के लिए शॉपिंग करने गए थे आपको याद होगा, तब हम लोग एक केक लेके आए थे। वो केक है कि क्या है मैं आज इस बार आपको दिखाऊंगी, उस टाइम मैं आपको दिखाना भी भूल गई थी उन लोग को भेजने से पहले। सो वो जो केक थे वो बहुत ही ज़्यादा यमी थे, तो वो केक हम लोग वहाँ से लेने जा रहे हैं। ऑल्सो और भी कुछ काम है, कौन आया, हमें डी मार्ट जाना है और एक शायद इनके फ्रेंड के यहाँ भी जाएंगे हम लोग अगर टाइम बचा तो। इनके फ्रेंड का जो बेटा है ना वो अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए, जैसे जाते हैं ना बच्चे तो वो जा रहा है, तो शायद अगर टाइम रहा तो वहाँ भी चले जाएंगे। ये वाला बैग अगेन मैं लेके जा रही हूँ, आजकल ये वाला बैग मैंने निकाल लिया, मेरा कुछ दिन कोई बैग निकला रहता है कुछ दिन कोई बैग निकला रहता है, ऐसा मेरे साथ होता रहता है। और ये वाला सूट पहना है मैंने, ये ट्राउजर सूट है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये ट्राउजर सूट है, ये भी मीशो का है। मीशो में जब मैं मीशो के रिव्यूज़ करती थी तब मैंने ये लिया था। और आप लोग मीशो के वीडियोस मिस करते हो मुझे पता है, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं मीशो के हॉल लेके आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो फिर मैं मीशो के हॉल लाना शुरू करूँगी। ये सब कपड़े वपड़े अभी तय लगाए हैं थोड़ी देर पहले मैंने, और ये नाइटी अभी तक मैंने पहन रखी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं नहा के आजकल जनरली यही पहन लेती हूँ, ढीली ढीली सी है ना, इसमें इतनी गर्मी नहीं लगती, गर्मी काफ़ी हो गई है पर आज ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो अभी आके मुझे वापस पहनना है इसलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। खाने का टेंशन नहीं है और खाना सब ऑलमोस्ट बना हुआ है, फिर देख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, निकलते तो हैं, पूरी शाम आज बाहर स्पेंड करने का मन है। आजकल ना दिन में अगर मैं ना सोऊं तो मेरा सिर भारी रहता है, लेकिन आज है ना मेरा सिर बिल्कुल भी भारी नहीं है, तो मैंने विवेक को बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं, मन कर रहा है। और ऐसे ना कफनी वाले सूट्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया विवेक नीचे। इसमें ऐसे ऐसे वाले सूट्स में अच्छा लगता है ना, पर्सनालिटी थोड़ी जमती है, मतलब है ना कफनी टाइप ऑफ। इधर के दिखा, ये अभी भी ट्यूशन से आई है थोड़ी देर पहले। हेलो गाइस, भर के रख दो बेटा, फिर ये लोग है ना पानी भी लेते हैं फ्रिज में से, फिर भर के नहीं रखते, लाइट ऑफ कर दे बेटा, चल चलना है हम। और यहाँ पे भी सब कुछ सफाई हो रखी है, आने के बाद हम लोग खाना वाना निकालेंगे फ्रिज में से, गर्म करेंगे। आलू से भी कल थोड़ा कचरा पड़ा है तो मैंने ये आलू से भी यहाँ से हटाओ, ये इन लोग की ना आदत है, जो चीज ये लोग लेते हैं इनसे कभी हटाई नहीं जाती है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यहाँ पे, किसी ने मैंने नहीं रखी है, जल्दी से रख दो। चलो चलिए चलते हैं, लॉक ले लो बेटा हाथ में, मैं मेरे फोन ले लेती हूँ, और शायद हम लोग वहाँ से इनके फ्रेंड के यहाँ जाएं, अगर गए तो आपको जरूर मिलवाऊंगी उस बच्चे से, अगर मैं ऑन कर सकी तो कैमरा, नहीं गए तो कोई बात नहीं, हमारा फिक्स नहीं है। बट डी मार्ट तो हम लोग निकल ही रहे हैं, डी मार्ट आई थिंक 10 बजे तक खुला रहता होगा ना प्रिशा, चलो तो चलते हैं फटाफट, लेट हो गया है ऑलरेडी काफ़ी। पंखा वंखा बंद करते हैं, शाम की पूजा हो गई है और क्या कहते हैं, तो आज बड़े दिन के बाद ये वाली गाड़ी निकाली, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ जो है शेयर करूँ ये वाला व्लॉग और गाड़ी को थोड़ा दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग भी कई बार कहते हो ना दीदी नई गाड़ी नहीं निकालते आप, नई गाड़ी नहीं निकालते, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज हम लोग निकले हैं। तो काफ़ी अच्छी सी राइड लग रही थी, हमारे घर से डी मार्ट काफ़ी दूर, एक लॉन्ग ड्राइव जैसा भी हो जाता है। और परसों के व्लॉग पे और भी कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, निभा निकान जी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, दीदी आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, नेचर किसी का चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी का भी टाइम आएगा आप टेंशन ना लीजिए। थैंक यू निभा निकान जी, थैंक यू। इसके अलावा दूसरे दिव्या वर्मा जी ने लिखा है आप बड़ौदा सिटी को ट्राई कर सकते हो। विजय कुमारी जी ने लिखा है वेरी नाइस फैमिली, वेरी नाइस कुकिंग, मेक लाइफ ईजी विद ममता ने लिखा है रुचि भगवान पर भरोसा रखो, कोई साथ नहीं देगा, भगवान पे ही भरोसा रखना होगा। इसके अलावा गंगा, थैंक यू डॉक्टर गंगा जी ने लिखा है हैट्स ऑफ टू यू विवेक जी एंड योर चिल्ड्रन, भगवान आप लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनाए। सरोज महार जी ने लिखा है यू आर माय फेवरेट, यू आर सच अ वेरी नाइस पर्सन। रमा तिवारी जी ने लिखा है आप लोग इतने अच्छे हैं कि जहाँ भी जाएंगे वहीं तरक्की करेंगे, वहम मत लाइए, बस आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। तो बहुत ही प्यारे कमेंट्स आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ललिता नारायण ने लिखा है जो भी करिए फ्यूचर का सोच के करिए, और हाँ जहाँ पड़ोसी अच्छे ना हो वहाँ सही में डिसीज़न लेना पड़ता है, क्योंकि कहावत है कि मुश्किल वक्त में परिवार से पहले पड़ोसी काम आते हैं। यू आर थिंकिंग एब्सोल्युटली करेक्ट।
इसके अलावा बी क्रिएटिव विद मी जी ने लिखा है, आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आई एम एडिक्टेड टू योर व्लॉग्स। बहुत ही प्यारे कमेंट्स हैं, किसका छोड़ूं किसका बोलूं। वेरी ट्रूमा पावर जी ने लिखा है, कोरोना ने सबका असली फेस सामने ला दिया है, सुनकर बहुत बुरा लगा। रुचि आप अलग सिटी में 3 बेड ले लो, वर्क स्टेशन घर पर ही होगा तो टाइम और एनर्जी सेव होगा, विवेक भाई को भी कुछ अच्छा बिजनेस मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं वापस आ जाती हूँ डी मार्ट में, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ना हर चीज़ पे बहुत अच्छे ऑफर थे। आज मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ डी मार्ट का, नहीं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट मुझे पर्सनली डी मार्ट बहुत पसंद आया। ये दाल देखिए 95 रुपीज़ पर केजी, जो कि 120 रुपीज़ पर केजी में हमारे पहचान वालों ने ख़रीदी है 25 किलो, और यहाँ पे 95 रुपीज़ पर केजी है, यानी कितने रुपये का फ़ायदा हुआ आप खुद देखो। आप बाकी जगह पे भी देख रहे होंगे, जहाँ पे भी मैंने आपको अभी शो किया, लाइक हर जगह पे डिस्काउंट है, हर चीज़ पे, कहीं 20 रुपये, कहीं 25 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 75 रुपीज़। आप खुद देख लो, हर चीज़ पे यहाँ पे पैसा बचता है, चाहे बात हो चावल की, ग्रॉसरी की, कोई भी चीज़ उठा लो, हर चीज़ पे यहाँ डिस्काउंट था। आज हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके आए थे, तो मैं प्रॉपर घूम रही थी और प्रॉपर आपको दिखाने वाली हूँ कितना कितना डिफरेंस है मतलब चीज़ों में। वैसे हम लोग की शॉपिंग इतनी कुछ खास नहीं होने वाली है, थोड़ी सी होने वाली है, क्योंकि अभी पीछे अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट से मेरा बहुत सामान आया था, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है कि हाँ भाई ख़त्म होने वाली हैं, वो चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं। तो आप खुद देखो, किसी पे 54% ऑफ है, बाय वन गेट वन तो ऑलमोस्ट हर चीज़ पे था, मतलब हर चीज़ पे डी मार्ट पे बाय वन गेट वन तो बहुत चीज़ों पे होता है। और ये जो है ना विंस ग्रीन के, जो प्रिशा के हाथ में ये स्प्रेड वगैरह होते हैं ना विंस ग्रीन के, ये बाय वन गेट वन था। कैन यू बिलीव इट, ये कितने महंगे मिलते हैं जब आप अमेज़ॉन पे देखोगे ना, काफ़ी महंगे मिलते हैं ये, लेकिन यहाँ पे बाय वन गेट वन था। तो मुझे शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था, एक्चुअली देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आइडिया ले रही थी मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि जब भी आऊँगी तो क्या क्या चीज़ मुझे लेनी है। यहाँ पे भी देखिए हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आप देख सकते हो ऑफ, बाय वन गेट वन। ये भी देखिए यहाँ पे भी ये चटनी वगैरह है, इस पर भी बाय वन गेट वन था, और मतलब कहीं कहीं तो ऐसा था कि प्राइस भी कम था और बाय वन गेट वन भी था। देखिए हर चीज़ पर बाय वन गेट वन आप देख सकते हो। यहाँ पर भी किसी में 285 रुपीज़ ऑफ है, तो किसी में 151 रुपीज़ ऑफ है, तो किसी में 299 ऑफ है, तो किसी में 90 रुपीज़ ऑफ है। यानी कितना, अगर आपने सपोज़ पूरे महीने का राशन जो लोग एक साथ लेते हैं ना, आप सोचो उनको कितना फ़ायदा होगा। तो आपके सिटी में भी अगर है ना डी मार्ट, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप ज़रूर से जाइए। यहाँ पे भी देखिए लिक्विड डिटर्जेंट पे कहीं 71% ऑफ है, आप खुद देख लीजिए 390 का है, लेकिन 315 रुपीज़ में डी मार्ट प्राइस पे मिल रहा है, वो भी कितना सुपर सेवर पैक। और ये 90 रुपीज़ ऑफ है, यहाँ पे 445 रुपीज़ का MRP है, डी मार्ट प्राइस है 355। तो आप खुद देखो कितना डिफरेंस है, यानी जिसने पूरे महीने का राशन एक साथ लेना हो तो उसको ऐसे ही 71 रुपीज़, 25 रुपीज़ करके कितना सेविंग हो जाएगा। मुझे डी मार्ट बहुत पसंद आया पर्सनली, यही रीज़न है, मेरे घर से इतना दूर है तो भी मैं यहाँ आना पसंद कर रही हूँ आजकल, और बाकी सब आउटलेट्स मेरे घर के पास हैं लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सेविंग हो जा रही है। 299 रुपीज़ में बर्तन तक थे, मतलब कुछ सेट था थाली का, ये देखिए कॉम्बो सेट है 6 पीसेस का 299 रुपीज़ में, स्टील अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ पे हार्पिक वगैरह की बात करूँ तो इसमें भी बहुत हैवी हैवी डिस्काउंट्स थे, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने में, क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा डी मार्ट। आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूँगी। और पता है अभी विवेक ने मुझे डांट दिया, आपने देखा इनका इशारा, इन्होंने मुझे डांट दिया कि बहुत होगी ग्रॉसरी की शॉपिंग, चलो अब यहाँ से। होता है ना पतियों का, शायद आपका भी होता होगा कि शॉपिंग करते टाइम पति जल्दी से आपको वहाँ से खिसकाते होंगे जब आप कहीं चिपक जाते हो, मतलब शॉपिंग के टाइम पर। तो मुझे डांट के ये ऊपर ले आए, बोले चलो कपड़े का सेक्शन आज देख के आते हैं, लास्ट टाइम हमने नहीं देखा था। तो इन्होंने मुझे मतलब समझ लो शॉपिंग मॉल में झाड़ लगा दी, डांट लगा दी जोर से। यहाँ पे देखिए 499 रुपीज़ में ट्राउजर्स अवेलेबल थी, 199 में टी शर्ट थी। प्रिशा मुझे बोली मम्मी डेली वेयर का नेक्स्ट टाइम यहीं से लेंगे, फिलहाल तो बहुत कपड़े हैं इसके पास, पर कह रही थी मम्मी 199 में टी शर्ट है, और सच में क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी, और कुछ टी शर्ट तो अभी को इतनी अच्छी लग गई है कि अभी ख़रीद ही लेने वाला है आप समझ लो। तो मैं विवेक को भी बोल रही थी कुछ चाहिए तो ले लो। यहाँ पे 99 रुपीज़ में देखिए बच्चों के वो हैं पैंट्स वगैरह हैं, टॉवल्स बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सस्ते हैं तो क्वालिटी अच्छी ना हो, आप टॉवल देखो क्वालिटी कितना अच्छा लग रहा है। और चादरें वगैरह भी हैं, मुझे चादरों में इंटरेस्ट है, मैं चादर ढूंढ रही हूँ कि मैं बेडशीट बहुत मुझे पसंद है ख़रीदना, तो यहाँ मैं बेडशीट का सेक्शन मिला, तो मैंने कहा भले लूँ ना लूँ एक बार नज़र तो मार लूँ कैसी हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट थे। नो डाउट मैंने अभी नहीं ली है, जब कभी मैं यहाँ से चादरें लूँगी तो वो भी रिव्यू शेयर करूँगी, पर मुझे अच्छी लग रही थी यहाँ पर, काफ़ी रीज़नेबल और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने विवेक को बोला कि आप अपने लिए कुछ ले लो, तो इन्होंने फिर से मुझे डांट दिया
कि मुझे कुछ नहीं लेना, बिना काम का खर्चा नहीं करना है। मतलब इन्होंने मुझे दो बार डांट दिया, वो भी शॉपिंग मॉल में। वैसे कई बार शॉपिंग करते करते हस्बैंड वाइफ की बहस होती है, मेरी नहीं आप लोगों की भी होती होंगी, लेकिन फिर भी विवेक को मैंने ज़बरदस्ती शर्ट देखने पे मजबूर कर ही दिया, डांट खाने के बाद भी। तो वो देख रहे थे और अवि को कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, तो वो अवि ट्राई करने गया हुआ है। तो ये 49 रुपीज़ में बेल्ट अवेलेबल है, देखिए कितनी सस्ती है। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ हमने क्या शॉपिंग की। हम लोग घर पे आ गए, अभी 10:30 हो गए घर पे आते, खाना बाकी है हमारा, तो बहुत ही कम सी शॉपिंग की है हमने। मेन तो हम लोग ये लेने गए थे, हाँ उस दिन जो लड़कियों को मैंने भेजा था ना, वो लड़कियों को हमने ये भेजा था, आपने बास्केट भरी हुई देखी होगी, जब हमने अष्टमी के दिन खाना भेजा था ना रामनवमी के दिन बच्चियों के लिए, आदिवासी लड़कियों के लिए, तब ये वाला हमने, ये क्या है, ये केक नहीं है, इसका नाम है मून फिल्स, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, हमने उनको वनीला फ्लेवर भेजा था, टोटली वेज था। और ये एग वाला है, लेकिन वो एग बिना का था, है ना प्रिशा, वो वनीला फ्लेवर था ना हमने भेजा था, वो भेजा था। तो ये कुछ हमने 6 पैकेट्स लिए हैं। फिर हमें ना एक्चुअली हम लोग साल भर की जो अरहर की दाल होती है वो साल भर की भरते हैं हम लोग, लेकिन हम सोच रहे कहाँ से भरे, पर 2 पे 3 पे चला लें यहाँ का, कोई बात नहीं। हम लोग ना अरहर की दाल भरते हैं, यहाँ गुजरात में फैशन ही है, मतलब ट्रेंड है, सब लोग दाल भरते हैं साल भर की। तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि कहाँ से भरें, तो हमें वहाँ पे ना रीजनेबल लगी है थोड़ी, जो मैं ऑनलाइन दाल मंगाती हूँ उससे काफ़ी रीजनेबल है। ऑयली दाल है, यहाँ गुजरात में ऑयल लगा के रखने का ट्रेंड है, जिससे कुछ कीड़े वगैरह ना पड़े। तो ये ऑयली दाल हमने 2 किलो ली है ट्राई करने के लिए डी मार्ट से, अगर हमें पसंद आती है तो फिर वहीं से हम 20-25 किलो ले लेंगे एक साथ, हम लोग एक साथ भर देते हैं। तो ये लिया है मेन, तो हम वो केक्स वो जो भी है मून फिल्स उसके लिए गए थे, बच्चों को बहुत पसंद आया था वो, और हमने कहा देख के आते हैं क्या चीज़ पे कितना रेट का डिफरेंस है। तो मैंने देखा कि डी मार्ट पे सच में रेट का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, आप लगा लो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं डी मार्ट पे, लगा कि चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ये देखिए ये एक पैक फ्री था, तो ये हमने दूसरा का है बेटा इसका, नहीं लिया मैंने, एक ही लिया था। अच्छा उसका उन्होंने प्राइस ज़्यादा कर दिया था, ओके। तो ये जो टिश्यूज हैं ये एक पे एक फ्री पैकेट था, तो मतलब समझ लो आप एक के प्राइस में आपको 2 मिल जाते हैं, इस पे भी काफ़ी अच्छा ऑफर था। फिर ये जो सैनिटरी पैड्स हैं इस पे भी एक अच्छा सा ऑफर था। और ये लोग कुछ लाए हैं, मुझे भी नहीं पता, कप नूडल्स मज़ेदार मसाला डिलीशियस मसाला फ्लेवर समथिंग है, ये एक पे एक फ्री था ना अभी, और एक की कॉस्टिंग क्या थी, 35 में 2 नहीं मतलब बाय वन गेट वन फ्री, हाँ बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन 35 एक का था, मतलब बाय वन गेट वन यानी 35 में हमको ये 2 मिले, यानी काफ़ी अच्छी डील है ये भी। और इसके अलावा और क्या लिया है हमने, हाँ मेन चीज़ तो रही गई, अभी को ना वहाँ पे को टी शर्ट बहुत पसंद आ गई, वहाँ कपड़े भी बहुत सस्ते थे, लाइक अगर डेली वेयर के लिए कुछ लेना हो तो बहुत सस्ता है डी मार्ट, मुझे खुद को ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। हाँ ये बेल्ट, माय गॉड, ये बेल्ट पे MRP लिखा हुआ है, ये बेल्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, टाइगर प्रिंट की बेल्ट है ये, मैंने अपने और प्रशा के लिए ली है, और इसका प्राइस वहाँ पे लिखा, मतलब इस पे लिखा है 99 रुपीज का बेल्ट है, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और ये मुझे वहाँ पे 49 रुपीज में मिला, यानी 50 रुपीज में, 99 यानी 100 रुपीज की चीज़ 50 रुपीज में डी मार्ट पे मिली है, और ये सच में बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई मुझे बेल्ट। तो 49 रुपीज में तो यार सच्ची में बहुत सस्ता है, आपको नहीं लगता, तो ये बेल्ट मुझे बहुत पसंद आई। और अभी ने ना डेली यूज़ के लिए कह लो, या अभी हम जाने वाले भी हैं तो बच्चों को तो होता है ना भाई, जहाँ भी कपड़ा कुछ पसंद का दिख जाए तो लेने के लिए वो करते हैं। तो अभी ने 2 टी शर्ट लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, 3 टी शर्ट लिए अभी ने, मुझे बहुत पसंद आई, मतलब इतनी सस्ती है, 199 की एक टी शर्ट है, यानी 200 की हुई ना, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी। और ये देखो आप, एक ये इसने ली है ग्रे कलर की, और पहन के इतना स्मार्ट लग रहा था, अभी आप इसे पहले वो देख ही लोगे, हम कहीं जाने वाले भी हैं और ऐसे भी घर में भी पहनेगा ये, मतलब वहाँ पे बहुत सस्ते डेली यूज़ के लिए तो बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है टी शर्ट, मुझे पसंद आई। 199 रुपीज़ में क्या मिलता है, पहन के बहुत स्टाइलिश लग रही है, देखो काफ़ी अच्छे स्टाइल की, ये ग्रे कलर की है और इसी में सेम अभी ने ग्रीन लिया है, मैं कहा ये कलर ज़रूर ले, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, विवेक को भी बहुत पसंद है, तो ये हम लोगों ने लिया है एक और दूसरा इसके लिए। और एक तीसरी टी शर्ट ये वाली, ये विवेक ने पसंद करी है, बहुत अच्छा लग रहा था अभी से पहन के, मतलब पहले पहले नया नया हो तब ऐसे कहीं बाहर जाने में यूज़ कर लो और फिर घर में पहन लो, तो ये परफेक्ट नहीं है, आपको क्या लगता है डी मार्ट की शॉपिंग कैसी लगी आपको? मुझे पसंद आई, वहाँ पे क्या नहीं था, मतलब हैंडकरचीफ स्वीटनेस सस्ते थे, लेडीज़ की क्लोथिंग वगैरह, मुझे तो चूंकि अभी कुछ लेना ही नहीं था क्योंकि मेरा अमेजन से ही इतना सब आ जाता है तो बिना काम पैसे क्यों बिगाड़ने, लेकिन ये अभी को बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा देखो लड़कों को तो वैसे भी बहुत कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ नीचे खेलने जाता है और अभी हम लोग जाने वाले भी हैं ससुराल जाएंगे तो कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, मतलब और गर्मियों में तो चेंज भी बहुत किए जाते हैं, पसीने बहुत आते हैं। ये टोटल हमारी शॉपिंग थी, बस इतनी सी शॉपिंग करी हमने, लेकिन थोड़ा घूमना हो गया, नई वाली कार आज हमने बहुत दिन बाद निकाली, और अब हम कर लेते हैं हमारा डिनर,
क्योंकि 10:30 हो गए ऑलरेडी, डिनर काफी लेट हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में या फिर कल। कैसी लगी आपको डीमार्ट की शॉपिंग? वही बहुत सस्ता है सच में, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ग्रॉसरीज पे भी उतनी स्कीम थी, क्लोथिंग पे भी बहुत अच्छे स्कीम्स थे, और मतलब कौन सी चीज पे स्कीम नहीं थी, हर चीज पे आपको कहीं पे 100 रुपए बच रहे थे तो कहीं 25, तो कहीं 30, तो कहीं 40। डीमार्ट से बेस्ट कहीं की शॉपिंग नहीं रहती है। चलिए आराम से मिलते हैं बाद में।